नमस्कार दोस्तों, मंदी से जूझती भारत की अर्थव्यवस्था को आज निश्चित रूप से भारत सरकार ने एक बड़ा बूस्टर दिया है। और यदि ये बूस्टर सही काम कर गया तो मेरी ओपिनियन में सर, मेक इन इंडिया का जो सपना हम लेकर के चले हैं इतने सालों से, वो आने वाले समय में साकार हो पाएगा। तो सर, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सी अनु भाटिया, नई कंपनीज पर मात्र 15% आयकर दर का जो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, आज जो उस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा करी है, उसी पर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सर, आज की इस पर्टिकुलर घोषणा का मुख्य आकर्षण क्या है, ये मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स के रूप में रखता हूं सर। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आज की डेट में सरकार ने जारी कर दिया है, और इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के थ्रू ही ये जो नई रेट्स की हम बात कर रहे हैं, वो रेट्स टैक्सेशन की लेकर के आए हैं। मेक इन इंडिया को निश्चित रूप से इस पर्टिकुलर स्कीम से प्रोत्साहन मिलने वाला है, क्योंकि ये पर्टिकुलर योजना जो 15% टैक्स रेट की बात करती है, वो ऐसी कंपनीज के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर काम करेंगी। साथ ही सर, जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये पर्टिकुलर स्कीम जो अब सरकार लेकर के आई है, या जो सरकार ने घोषणा करी है, वो कहती है कि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर टैक्स रेट मात्र 15% लागू होगी। पहले से चल रही कंपनीज को भी टैक्स रेट सर अब घटा करके 22% कर दी गई है। का अभिप्राय क्या है सर, कि वित्त वर्ष 2019-2020 से ही ये पर्टिकुलर प्रावधान लागू होंगे, यानी आपने 1 अप्रैल 19 से जो इनकम कमानी शुरू करी है, उसके लिए टैक्स रेट सर 22% सरकार करने जा रही है। साथ ही सर, मैट की रेट भी सभी कंपनीज के लिए सरकार ने घोषणा करी है कि 15% कर दी जाएगी। और इस घोषणा से सर, सरकार ये कह रही है कि लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए का सालाना टैक्स कलेक्शन कम होगा। सो दिस इज अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, कि सरकार अगर टैक्सेस में अपना हिस्सा छोड़ती है तो उसका इम्पैक्ट नेचुरली इकोनॉमी में इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन दिखना चाहिए। और अंतिम बात सर, कि सरकार ये कह रही है कि सीएसआर खर्चों में कुछ निश्चित कंपनियों को सर सीएसआर में खर्चा करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो अब इस सीएसआर खर्चे के स्कोप में सर, इंक्यूबेटर अथवा सोशल सर्विस सेक्टर में लगे संस्थान को भी अंशदान किया जा सकता है, यानी सीएसआर का स्कोप बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ मुख्य आकर्षण है सर, जिन पर मैं कुछ और विस्तृत चर्चा आगे करता हूं। तो अब सर, अगला प्रश्न है आपके सामने कि आयकर दरों में कटौती किन कंपनीज के लिए की गई है, क्योंकि सर आज जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है, और जैसा मैंने पहले भी बोला कि 15% और 22% की घोषणा करी है, तो वो किन कंपनियों के लिए की गई है सर। तो सरकार ये कह रही है कि जो कंपनियां नई स्थापित होने वाली कंपनीज के लिए हम टैक्स रेट 15% करेंगे। हालांकि सरचार्ज, एजुकेशन सेस, SHEC वगैरह की वजह से इफेक्टिव रेट उन कंपनियों में 17.01% आएगी। और सर, पहले से जो कंपनियां चल रही हैं, अगर वो भी एक सर्टेन ऑप्शन क्लेम कर लेंगी, तो उनको भी सर अब 22% की रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि सरचार्ज, एजुकेशन सेस, SHEC की वजह से उनको इफेक्टिव रेट 25.17% पड़ेगी। तो अगर सर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, तो मैं वर्तमान एवं प्रस्तावित दरों का एक कंपेरिजन आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्तमान में कंपनियों की सर दो टैक्स रेट मुख्य रूप से डोमेस्टिक कंपनीज के लिए लग रही है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है जो इंडिया में ही बनी है, इंडिया में जो रजिस्टर्ड है, वर्तमान दरें उनके लिए 25% एवं 30% दो दरें सर यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन सर, आज की इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को लाने के बाद में चार दरें हो जाएंगी सर, 15%, 22%, 25% और 30%। तो डिपेंड करेगा सर कि कंपनी 15, 22, 25, 30 किस कैटेगरी में आती है। अगर आप एलिजिबल कंपनी हैं, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में लगे हैं और आप 1 अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं, या 31 मार्च 2023 तक आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 23 तक, तो आपको मात्र 15% की टैक्स रेट देनी पड़ेगी। और पहले से स्थापित कंपनी यदि आप हैं, तो आपको 22% की टैक्स रेट देनी पड़ेगी। और कुछ कंपनियां सर हो सकता है अभी भी 25% 30% की पुरानी दरों में आती हो, तो उनके लिए मैं अभी यहां पर विशेष चर्चा नहीं कर रहा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सर हमारे सामने है, क्या मैट की दरों में भी कोई परिवर्तन किया गया है क्या सर। मैट की सर पुरानी टैक्स रेट थी 18.5% और नई टैक्स रेट घटा करके सरकार ने 15% सभी कंपनियों के लिए कर दी। लेकिन सर आप देखिए,
मैंने यहां पर एक 0% की रेट और लिखी है, तो वो कंपनियां सर जिन पर अभी मैंने चर्चा करी, जिन पर 15% की ही टैक्स रेट लगेगी, उन पर सर मैट 0% रेट से, यानी उनके लिए 15% टैक्स रेट फाइनल रेट है। उसके ऊपर केवल सरचार्ज एजुकेशन से SHEC लगेगा, उन कंपनियों को मैट बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन अन्य कंपनियां सर जो कि इस नई कैटेगरी के लिए जो सरकार कंडीशंस रखने वाली है उनमें फॉल नहीं करती हैं, उन कंपनियों के लिए भी सर मैट की रेट 18.5% से सरकार ने घटा करके 15% कर दी है। तो ये भी एक बेनिफिट है सर कि मैट की रेट में भी 3.5% की कटौती की गई है। तो अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, हालांकि मैं उनमें से कुछ का डिस्कशन बिट्स एंड पीसेज में पहले भी कर चुका हूं, लेकिन फिर आपके सामने बात रख रहा हूं। क्या पहले से कार्य कर रही कंपनियों को भी लाभ दिया गया है? हाँ सर, उत्तर है कि पहले से काम कर रही कंपनियों को भी 22% की टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। यहां मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं सर कि इनकम टैक्स लॉ में सर सरकार दो सेक्शन इंसर्ट कर रही है स्पेसिफिकली। एक सेक्शन इंसर्ट कर रही है 115BAA और एक सेक्शन इंसर्ट कर रही है 115BAB। इनमें से पहला सेक्शन जो 115BAA है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज को 22% की टैक्स स्कीम में आने का ऑप्शन देगा, प्रोवाइडेड वो कंपनियां ऑप्शन को एक्सरसाइज करें और जो स्पेशल इंसेंटिव अदरवाइज उनको मिलते हैं या जो लॉसेज उनके पास अवेलेबल है उनका राइट वो फॉरगो कर दें, तो ऐसी परिस्थिति में सर उनको 22% की टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा प्रश्न, नई कंपनीज के लिए टैक्स रेट कितने वर्ष तक 15% या 22% रहेगी? ऐसी कोई समय सीमा सर सरकार ने तय नहीं करी। अगर आप यहां पर आ चुके हैं, इस स्कीम का बेनिफिट 115BAA या 115BAB जो अब लाई जा रही हैं उनमें आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, तो सर आपको कोई टाइम पीरियड सरकार ने अभी निश्चित नहीं किया कि कितने समय तक आपको 15 या 22 टैक्स रेट लगेगी, यानी एक तरीके से अनवरत आपको इस टैक्स रेट का बेनिफिट मिलता रहेगा। नई कंपनी को उत्पादन कब तक शुरू करना होगा? मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं सर, 31 मार्च 2023 तक आपका प्रोडक्शन यदि स्टार्ट हो जाता है तो आप एक एलिजिबल कंपनी माने जाएंगे जिसको 15% टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। क्या सर्विस सेक्टर की कंपनीज को भी कोई लाभ दिया गया है? सर मैं यहां माफी चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा कोई स्पष्ट बेनिफिट सर्विस सेक्टर की कंपनीज के लिए यहां पर मेंशन नहीं किया है। और अंत में सर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और इतना रिलेवेंट है और भारतीय इकोनॉमी के फर्दर ग्रोथ में सर मुझे लगता है कि आज शायद एक इतिहास लिखा गया है, क्योंकि टैक्स रेट सरकार ने कम करी है और ये टैक्स रेट निश्चित रूप से मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को प्रबल सहयोग देने वाली हैं। तो वी विल सी इन द टाइम टू कम दैट हाउ दीज पर्टिकुलर टैक्स रेट रिडक्शंस विल बी इफेक्टिव। तो मैं सर ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर जो भी सेक्शन 115BAA या BAB आए हैं उन पर मैं अलग से सर स्पष्ट वीडियो बना करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सर मुझे सुनते रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक्स करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।